भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के लिए चांद पर सफल लैंडिंग के मिशन में बबैन ब्लॉक के गांव हमीदपुर निवासी संतोख सिंह पटवारी के पुत्र और मास्टर कुलवंत सिंह शास्त्री के बेटे स्वास्तिक सैनी का अहम योगदान रहा है, जिसे लेकर इलाके में बेहद खुशी है। वहीं स्वास्तिक सैनी के घर व गांव में भी जश्न का माहौल है। चंद्रयान 3 में सामने जो कैमरा होता है वे इस वैज्ञानिक की ही देन है। वैज्ञानिक स्वास्तिक के परिजनों ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि सन 2019 में स्वास्तिक सैनी के इसरो में SE के पद पर नियुक्ति की गई थी और अब पद उन्नति होकर SD बन गया है, जो उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर बधाई देते हुए कहा कि सफलता से अंतरिक्ष विज्ञान में भारत को दुनिया के अग्रणी 4 देशों में लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे खुशी की बात यह है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का प्रथम राष्ट्र बन गया है, जिससे 140 करोड़ भारतीयों का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि बेशक इस उपलब्धि का श्रेय इसरो के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को जाता है, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार के सहयोग के बिना इतना बड़ा प्रोजेक्ट पर काम करना संभव नहीं हो सकता। उन्होंने इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि हमारे वैज्ञानिकों की वर्षों पुरानी मेहनत रंग लाई है, जिनके सफल प्रयासों के चलते आज देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज हर भारतीय चंद्रयान 3 की सफलता पर गर्व अनुभव कर रहा है। देश भर में आज उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। हाँ जी सर, क्या कहोगे? जो इसरो के अब चंद्रयान 3 के मिशन में हमारे गांव के लड़के स्वास्तिक सैनी ने हमारे गांव का हमीदपुर का नाम रोशन किया, क्योंकि उन्होंने ये गांव हमीदपुर में जो संतोख सिंह पटवारी के पुत्र वे मास्टर कुलवंत शास्त्री जी के बेटे स्वास्तिक सैनी का 2019 में इसरो में चयन हुआ था, वो SE के पद पर थे। अब उनको प्रमोशन मिल गया है, वो अब वो SD बन चुके हैं, क्योंकि उनका इसमें इसरो में चंद्रयान 3 मिशन में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने आज हमारे पूरे गांव हमीदपुर और पूरे ब्लॉक बबैन और डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। हम पूरे परिवार को गांव हमीदपुर की तरफ से और गांव सरपंच की तरफ से उसको हम बधाई देते हैं, सभी गाँव वासी।